नमस्कार, मैं गोपाल तिहारी प्रोजेक्ट की सर्व रही। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, देखा आप लोग इस वीडियो में, आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन हम आप लोगों को अवगत करा दें। जो आप यह क्वाइल प्लेट देख रहे हैं, यह क्वाइल प्लेट वाइट के मैग्नेट बॉक्स होता है, जो जिसे हम कटोरा कहते हैं, उसके अंदर लगाई जाती है। अधिकांश आप लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, बाइक की सुरक्षा को देखते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, बरसात के दिनों में 50% के ऊपर मैग्नेट क्वाइल प्लेट अधिकांश खराब हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, मैग्नेट क्वाइल प्लेट से जो करंट फॉरवर्ड होता है, वह करंट आपका क्वाइल प्लेट से होते हुए अंदर जो सॉकेट लगाए जाते हैं, कनेक्टर ज्वाइंटर बोलते हैं हम लोग, तो जो कनेक्टर लगाए जाते हैं उन कनेक्टर के पास पहुंचता है। और कनेक्टर में कभी भी अगर बाइक गीली हो जाए तो आपस में जो वायर नीचे क्वाइल प्लेट से ऊपर पहुंचे हुए हैं उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो जरा सोचिए, किसी भी बाइक में अगर 24 वोल्ट या 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट का करंट ऊपर पहुंच रहा हो और जिस सॉकेट के कनेक्टर के माध्यम से पहुंच रहा हो, उन कनेक्टर में अगर मॉइस्चर आ जाए और वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट कहां पड़ेगा, जहां से ये करंट बन रहा है। तो हमारी बाइक में अधिकांश करंट जो बनता है वह मैग्नेट क्वाइल प्लेट के द्वारा बनता है, और मैग्नेट क्वाइल प्लेट से जो करंट बाहर निकलता है वो वायर के द्वारा सॉकेट से जाता है। वह सॉकेट आपका CDI से जोड़ा जाता है, और उस सॉकेट के बीच में कहीं भी अगर वायर का टच, यानी वायर का टचिंग हो जाए, आपस में वायर मॉइस्चर के कारण टच हो जाए, तो आपकी क्वाइल प्लेट 99% खराब हो जाएगी, जल जाएगी और वर्क नहीं करेगी। तो आप लोगों से एक निवेदन है, बरसात के दिनों में अधिकांश आप, यदि आपकी बाइक गीली हो जाती है, भीग जाती है, तो आप कोशिश ये करें कि बाइक के प्लग को कपड़े से साफ करें। बाइक के ऊपर अगर ओपन कोई सॉकेट है जहां से वायर कनेक्शन कनेक्ट हैं, उन सॉकेट को आप कपड़े से साफ करें। तो ऐसा करने से आपकी बाइक में जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेज हैं वो नहीं होंगे और आपकी बाइक की क्वाइट प्लेट खराब नहीं होगी। तो ऐसे हालात कब आते हैं, जब आप अपने बाइक में मॉइस्चर के कारण ऐसी स्थिति देखें तो उसे साफ कर दें। तो हाल में देखिए इस वीडियो को आप, और देखिए मैं आपको ये भी स्थिति बताने वाला हूँ कि क्वाइल प्लेट बाइक में लगाई जाती है वो कहाँ पे लगाई जाती है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, साथ में आप लोगों से एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बटन को जरूर पुश करें, कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहता हूँ। नमस्कार। तो देखें आप लोग, मेरे हाथ में बाइक की क्वाइल प्लेट का कटोरा है जो मैग्नेट के ऊपर फिट किया जाता है, और इस कटोरे के अंदर जो हाथ में आप देख रहे हैं ये क्वाइल प्लेट है। यह क्वाइल प्लेट मॉइस्चर के कारण बहुत ही बुरी तरह से शॉर्ट हो चुकी है। इस क्वाइल प्लेट में 3 खांचे बिल्कुल शॉर्ट हो चुके हैं। 3 खांचे का शॉर्ट होना सिद्ध करता है कि ये मॉइस्चर के कारण ख़राब हुए हैं। इस क्वाइल प्लेट को हम दोबारा रिवाइंड करके भर के आप लोगों को बताएंगे। 3 खांचे खराब होने से आपकी पूर्णतया क्वाइल कभी ख़राब नहीं होती है। इस क्वाइल को दोबारा भरने के लिए ये देखें आप लोग, ये सॉकेट होते हैं, इन सॉकेट में अगर पानी बना रहेगा तो आपकी क्वाइल प्लेट पर लोड पड़ेगा और क्वाइल प्लेट आपकी ख़राब हो जाएगी। तो देखें आप लोग इसको कैसे दोबारा रिवाइंड किया जाता है।
इस क्वायर प्लेट को रिमांड करने के लिए 20 नंबर वायर के गेज का पर टर्न खांचे 80 टर्न यानी 80 टर्न पर खांचे में क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज टर्न के हिसाब से डाले जाते हैं। तो ये क्वाइल आपकी दोबारा भर जाती है। तो देखें आप लोग इस क्वाइल को, ये देखें आप लोग तीन खांचे आपके सामने हैं जबकि पूरी क्वाइल आपकी सेफ है। इन तीन खांचों को मैं दोबारा रिवाइंड कर दूंगा, आपकी क्वाइल बिल्कुल प्रॉपर और सही वर्क करेगी, आपको नई क्वाइल नहीं लेनी पड़ेगी। तो आप लोग हमेशा क्वाइल नहीं लेने के पहले तिवारी प्रोजेक्ट को रही यूट्यूब पर सर्च करें, आपको क्वाइल से संबंधित, सीडीआई से संबंधित, पिकअप क्वाइल से संबंधित तमाम बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिल जाया करेंगे और आपको हमारी वीडियो के माध्यम से बहुत ही नॉलेज भी होगी और आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक से ये देखें आप लोग इस क्वाइल को भरा जाएगा, बिल्कुल नई जैसी ये क्वाइल बन जाएगी आपकी। कभी भी आपको किसी भी क्वाइल की प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।